Does much does this car cost? A. When, B. Which, C. How, D. Whom. Correct answer है How much क्या हो जाएगा How much does this car इस कार का कॉस्ट क्या है Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Paathshala by Neetu Nigam. अगर आप क्लास थर्ड में इंग्लिश ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश ओलंपियाड में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं ये आप देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है. आज के अध्याय में हम क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग्स टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए MCQ लेकर आई हूँ. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार के बनाए जाते हैं और उसमें क्वेश्चन टैग्स कैसे लगाए जाते हैं. इसके साथ ही हमने इसमें सीरीज के अंतर्गत जंबल वर्ड एंड सेंटेंस क्रिएशन कॉम्प्रिहेंशन पैसेज और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद मोस्ट सूटेबल क्वेश्चन वर्ड. इसमें कौन सा ऐसा वर्ड हम बनाएंगे जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है. तो हाउ मच डज दिस कार इस कार का कॉस्ट क्या है. नंबर टू, आर यू रीडिंग माई बुक. विच आर यू रीडिंग माई बुक. वाई आर यू रीडिंग माई बुक. वाट आर यू रीडिंग माई बुक. हु आर यू रीडिंग माई बुक. तो कौन से सब्जेक्ट सुटेबल है. तो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी वाई. वाई आर यू रीडिंग माई बुक. तुम मेरा बुक क्यों पढ़ रहे हो. नंबर थ्री, डैश ऑफ दिस पेंसिल्स इज योर. विच वाई What, where? Correct answer is which of these pencils is your? इनमें से कौन सा तुम्हारा पेंसिल है. Next number four, dash will the summer vacation begin? When, who, C, what, D, whose? Correct answer is option A, when. When will the summer vacation begin? समर वैकेशन कब से शुरू हो रहा है होगा कब से शुरू होगा. नंबर फाइव, इस प्रकार हम व्हेन हु व्हाट व्हिच व्हिच इस तरह के वर्ड को आगे में लगाकर क्वेश्चंस मार्क्स बना सकते हैं. क्वेश्चन जैसे सेंटेंस बना सकते हैं. डैश इज इन द बास्केट. व्हिच इज इन द बास्केट. व्हेन इज इन द बास्केट. व्हाट इज इन द बास्केट. एंड हुम इज इन द बास्केट. Correct answer is what is in the basket. Which means कौन सा. When means कब. What means क्या. Next, you want to meet. Dash you want to meet. Which you want to meet. That you want to meet. Whom you don't want to meet. And whose you want to meet. Correct answer whom. Whom मतलब कौन. You want to meet. कौन तुमसे मिलने मिलना चाहता है. होम यू वॉन्ट टू मेट. इस प्रकार हम क्वेश्चन बना सकते हैं. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू सुटेबल क्वेश्चंस. इस सेंटेंसेस को चेंज करके हम किस तरह सुटेबल सेंटेंसेस बना सकते हैं. पहला हमारा सेंटेंस है जैसे आई एम गोइंग टू अलाहाबाद टुमारो. इसको हमें क्वेश्चन में बनाना है तो किस प्रकार के क्वेश्चन ये बन सकते हैं. A. How are you going to Allahabad? Why are you going to Allahabad? When are you going to Allahabad? Are you going to Allahabad? पहले क्या I am going to Allahabad tomorrow. मैं कल इलाहाबाद जा रही हूँ. तो पहला आंसर दिमाग में कौन सा आता है. आप कैसे जा रहे हो. ठीक है, कब जा रहे हो. तो करेक्ट आंसर है When are you going to Allahabad? जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो इसका आंसर आएगा I am going to Allahabad tomorrow. यानी सपोज आप मान लीजिए ये इसके आंसर लिखे हुए हैं कि आई एम गोइंग टू इलाहाबाद टुमारो. तो कौन सा क्वेश्चन इसमें पूछेंगे. तो हम क्वेश्चन इसमें पूछेंगे व्हेन आर यू गोइंग टू इलाहाबाद. तुम इलाहाबाद कब जा रही हो. नेक्स्ट उसी प्रकार नंबर एट, वी कुड डू दिस वर्क नेक्स्ट मंथ. हमें ये काम नेक्स्ट मंथ में करना चाहिए. तो इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है. व्हेन कुड वी डू दिस वर्क. When could we do this work? किस कौन सा वर्क हमें नेक्स्ट मंथ कौन सा
when could we do this work, इस वर्क को हमें कब करना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, we could do this work next month, हमें इस वर्क को next month में करना चाहिए। नेक्स्ट इसी प्रकार हो जाता है नंबर 9th, I came to sort while ago, क्वेश्चन क्या बनता है इसका, when did you come, तुम कब आओगे, when did you come, तुम कब आए, तो इसका हो जाएगा आई कैम ए शॉर्ट वाइल एगो। नेक्स्ट आई गॉट टू द स्टेशन ऑन अ रिक्शा, क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा, हाउ डिड यू गेट टू द रिक्शा, क्या पूछा जा रहा है, आप रिक्शा तक कैसे पहुंचे, तो आई गॉट टू द स्टेशन ऑन अ रिक्शा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग हमें लगाना होता है जो कि शॉर्ट फॉर्म रहता है, शॉर्ट फॉर्म में हम पूछते हैं कि क्या है, क्या या नहीं है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन टैग लगते हैं, विच इज द कलेक्टिंग स्टिकर, यह एक कलेक्टिंग स्टिकर्स है, वह एक कलेक्टिंग स्टिकर्स है, क्या वह नहीं है, क्या वह है, तो इस प्रकार हम बना सकते हैं, तो आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, इज नॉट सी, मीन्स ये पॉजिटिव क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इसका क्वेश्चन टैग जो है निगेटिव फॉर्म में होता है, तो इस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं, वह स्टिकर इकट्ठा कर रही है, इज नॉट सी, क्या वह इकट्ठा नहीं कर रही है। नेक्स्ट हो जाता है इसी प्रकार हमारा, रवि हैजंट टोल्ड यू, क्या हो गया, रिया हैजंट टोल्ड यू, रिया हैजंट टोल्ड यू, रिया ने तुम्हें नहीं बताया, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा क्या हो रहा है, निगेटिव में पूछा जा रहा है, रिया, क्या रिया ने तुम्हें नहीं बताया, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज सी। इसी प्रकार कैल्विन विल कम टू नाइट, कैल्विन रात में आएगा, क्या कैल्विन रात में आएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट नहीं लगा हुआ है, तो इस प्रकार हम इसको निगेटिव में बना सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉन्ट ही। नेक्स्ट 14, द ट्रिप इज वेरी एक्सपेंसिव, ट्रिप बहुत ही एक्सपेंसिव महंगा था, तो क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव में वर्ड हो रहा है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, जब हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन हो तो निगेटिव में हमारा क्वेश्चन टैग लगता है, और जब क्वेश्चन निगेटिव में पूछा जाए तो फिर वो पॉजिटिव में क्वेश्चन टैग लगता है, जैसे द ट्रिप इज वेरी एक्सपेंसिव, ट्रिप बहुत ही महंगा है, क्या नहीं है, इस तरह हम पूछ सकते हैं इसको, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इजंट इट, क्या यह नहीं है। नेक्स्ट नंबर 15, देयर इजंट एन एटीएम हियर, वहाँ पे क्या कोई एटीएम नहीं, यहाँ पे कोई एटीएम नहीं है, क्या हो रहा है, निगेटिव्स में, तो आंसर हो जाएगा इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, दे आरेंट इन मुंबई एट द मोमेंट, वे इस वक्त मुंबई में नहीं है, आर दे आर, आरेंट दे आर नॉट, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसमें, आर दे, सॉरी करेक्ट आंसर हो गया आर दे। नेक्स्ट इसी प्रकार हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, दे डोंट नो अस, वे हमें नहीं जानते, तो आंसर क्या हो गया, डू दे। नेक्स्ट उसी प्रकार हो गया, आई ऑफन कम होम लेट, मैं प्रायः घर पर लेट आता हूँ, ठीक है, आई ऑफन कम होम लेट, मैं प्रायः घर पर लेट आता हूँ, तो आंसर हो जाएगा डॉन आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किकी डज नॉट राइट ए लेटर बिफोर बेड, किकी डज नॉट राइट ए लेटर बिफोर बेड, बेड पर जाने से पहले किकी पत्र नहीं लिखती है, करेक्ट आंसर इज डज सी।
क्वेश्चन नंबर 20। वी मस्ट बी ऑन टाइम, हमें हमेशा समय पर होना चाहिए, हमें समय पर होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो गया? मस्ट बी, वी मस्ट नॉट बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मस्ट नॉट बी। तो ये थे आपके क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज कमेंट करके अब इससे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस प्रकार के वीडियो आप देखना चाहते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे। थैंक यू।